कहीं समतल तो कहीं टूटी फूटी जर्जर सड़क, स्कूल में पर्याप्त शिक्षक का न होना, गलियों में बजबजाती नलियों से प्रतिक्षण दो चार होते लोग, ये तस्वीर है गढ़वा जिले के हूर मध्या गांव की, जिसे बीजेपी सांसद वीडी राम ने गोद लेकर यहां विकास की गंगा बहाने और पीएम मोदी के सपने को सच करने की कसम खाई थी। लाइन बिजली का भी जो काम हो रहा था वो भी बंद है, रोड का भी स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग, जहीं तहीं गड्ढा खन के छोड़ दिए हैं लोग। अभी बारिश हुई थी तो इतना दिक्कत हुआ था कि पूछो मत करिए, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया था। कोई व्यवस्था ही नहीं है, नाली है, लोग अपने से साफ सफाई करते हैं, नहीं तो यहाँ से कुछ नहीं है। विकास की हकीकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, यहाँ आज भी स्कूली बच्चे घर से लाए बोरी पर बैठकर पढ़ने को विवश है। शिक्षकों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई बाधित है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, गांव मूल रूप से खेती पर निर्भर करता है, लेकिन यहां सिंचाई की कोई कारगर व्यवस्था नहीं की गई है। वैसा कोई सिंचाई का साधन अभी तक नहीं जो है सो सामने दिखने को मिल रहा है। जो गोद लिए हैं वो अभी तक वो देख रहे हैं कि कुछ स्थल पर उतारे नहीं है, नहीं उतारे हैं, न किसी को रोजगार दिए हैं, न कोई काम भी अभी तक नहीं है। जिम्मेवार अधिकारी साल भर की अवधि में दो बार गांव गए हैं, लेकिन उनका दावा है कि यहां सभी विभाग कार्य करने में जुटे हुए हैं। वहां हम लोग दो बार गए हुए हैं और जितनी योजनाएं हैं संबंधित विभाग की सभी को हम लोग वहां 100% करना चाह रहे हैं और इस दिशा में हम लोग प्रयास। कहा जाता है कि हालात बदलने को कुछ वक्त चाहिए, पर माननीय सांसद वीडी राम को तो यहां पूरे एक साल का समय मिला, लेकिन बावजूद इसके आज भी मध्या गांव का विकास मध्य में नहीं पहुंच सका है। अभय तिवारी, APN गढ़वा।